कितना कप साबुदाना होगा? इसको पानी से दो तीन बार अच्छे से धो, इसको दो तीन बार पानी से धो के इसमें थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही। तो हो गया है आधा घंटा, आधा घंटा 15-20 मिनट हो गया, ये फूल भी गया अच्छा से, इसमें भी उबाल आ ही चुका है। गया दूध में उबाल, और इसमें डालना है ये साबुदाना, और इसको लगातार चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है, और अपने हाथ पे एक्सरसाइज करते रहना है। ये मैंने बादाम डाला, दिखा भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। और ये थोड़ा सा चीनी, चीनी एकदम लास्ट में डालना है। क्यों मम्मी लास्ट में क्यों डालना है? क्योंकि सीरा बन जाएगा तो साबुदाना कच्चा है, क्योंकि साबुदाना पकेगा नहीं अगर पहले डाल देंगे तो, इसीलिए लास्ट में डालना होता है। ये रहा साबुदाना भी ऊपर आ गया, साबुदाना ट्रांसपेरेंट हो जाए ना तो मतलब पक गया है ना मम्मी, देखें तो पका ही। तो इसको तब तक पकाना है जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। मैं एक चीज़ और डालना भूल गए, वो ये है मखाना, थोड़ा सा जा गिर गया, थोड़ा सा और डाल देते हैं। ऐसे तो मुझे पसंद नहीं है, बस थोड़ा सा बहुत है। तो ये गाढ़ा हो गया है एकदम, हाँ अब दिख भी रहा है साबुदाना, एकदम इजी नाश्ता है। अब खाना हो ये व्रत वाला नाश्ता है, नाश्ता